सारे काम विंडो फोन एप्लीकेशन पे, क्या चीज़? विंडो फोन एप्लीकेशन पे सारे काम होते हैं। हाँ, ये विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन तो आपकी ASP डॉट नेट में भी यूज़ होती हैं। ऊप जो है विंडोज़ ऐप ASP डॉट नेट में यूज़ होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं एडवांस सी शार्प है। ये तो इनिशियली कंसोल को तो हम सिंपल कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट। लेकिन ये जो विंडोज़ फॉर्म है या ASP डॉट नेट है या और आगे चीज़ें आप देखेंगे, वो सारी इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ही। सही है। अच्छा, अभी तक हमने बात की थी क्लास की। तो हमने एक क्लास बनाई ह्यूमन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी और फिर उसके कुछ मेथड्स थे। सही है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि कुछ होते हैं क्लास वेरिएबल्स और कुछ होते हैं लोकल वेरिएबल्स। सही है। ये जो क्लास वेरिएबल होते हैं, इनको एक्सेस करने के लिए आपको जो है वो ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस रिक्वायर्ड होता है। ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस, क्लास का इंस्टेंस से मेरी मुराद ये इंस्टेंस है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये ह्यूमन का ऑब्जेक्ट है। और एक और लफ्ज़ भी यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है। तो ये भी एक इंस्टेंस है वसीम ह्यूमन की क्लास का। अब जनाब, मसला ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये हैं क्लास प्रॉपर्टीज। तो कुछ क्लास प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्लास प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट बनते वक्त ही डिसाइड हो जाती हैं, उसके बाद चेंज नहीं होती। मेरी बात समझ में आ रही? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यानी ये कि अगर आप इसको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में समझना चाहें, तो सपोज आप ये समझ लें कि एक जो ह्यूमन है उसका जो IQ है वो तो चेंज नहीं होगा ना। हाइट चेंज हो जाएगी, वेट चेंज होगा, चलें कह लें कलर चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन उसका IQ तो चेंज नहीं होगा। सही है। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोडिंग कर रहे होते हैं, तो बास क्लास वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको हम अलाउ करते हैं कि वो चाहें तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद भी चेंज हो जाए, मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनको कोई आउटसाइड द क्लास चेंज ना कर सके। ठीक है। लिहाजा हम करते ये हैं कि जिन क्लास वेरिएबल्स को, देखिए मैं बात कर रहा हूँ क्लास वेरिएबल्स की, लोकल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि लोकल को तो आप डॉट करके ऐसे एक्सेस कर ही नहीं सकते, ये तो एक्सेस होगा ही नहीं। लोकल वेरिएबल जो होता है वो मेथड के अंदर बनता है और मेथड के अंदर ही यूज होता है, ना बाहर यूज होता है ना एज अ क्लास यूज होता है। बाहर मेन मेथड में, रियल वर्ल्ड में सिर्फ क्लास वेरिएबल्स यूज होते हैं जो हम अलाउ करें। अलाउ करने से मुराद ये है कि सपोज मैं ये चाह रहा हूं कि कोई वेरिएबल ऐसा है जो बाहर से चेंज ना हो, कोई उसको चेंज ना कर सके, तो मैं उसको कर देता हूं प्राइवेट। जैसे IQ और नेम को मैं कर देता हूं प्राइवेट। ठीक है। ये कहलाते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। पब्लिक और प्राइवेट जो होते हैं ना, ये एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। और इनको आप ना सिर्फ क्लास वेरिएबल्स के साथ, मेथड्स के साथ और चाहें तो क्लास के साथ भी यूज करते हैं। ठीक है। सी शार्प में ये चार हैं, दो मैंने अभी आपको बता दिए, दो मैं मजीद आपको बताऊंगा। दो अभी जो मैंने बताए आपको, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, पब्लिक और प्राइवेट। हमेशा ये क्लास वेरिएबल्स के साथ यूज होते हैं, लोकल वेरिएबल के साथ यूज नहीं होते। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर पब्लिक है तो जिस वेरिएबल के साथ पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है उसको आप आउटसाइड द क्लास एक्सेस करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट को नहीं कर सकते। आप देखें नेम पर और IQ पे एरर आ गया, ये काम अब आप नहीं कर सकते, एक्सेसिबल नहीं है। अब इनको कैसे चेंज करें? अगर आप चाह रहे हैं कि बाहर से चेंज हो तो पब्लिक कर दें, लेकिन ये जहन में रखें कि ये जो प्राइवेट क्लास वेरिएबल्स होते हैं ना, इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये
ऑब्जेक्ट बनते वक्त हम चाह रहे होते हैं कि इनिशियलाइज हो जाए। जाहिर है वेरिएबल बनाया तो उसमें कोई वैल्यू होगी ना, अगर कोई वेरिएबल हमने बनाया है तो मकसद क्या है, उसमें कोई वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है। अब जब हमने वेरिएबल बनाया है तो असल में हम ये चाह रहे होते हैं कि ये अगर चेंज हो तो विद इन द क्लास हो। विद इन द क्लास का मतलब जब क्लास की कोडिंग लिखी जा रही है उस वक्त इसमें कोई वैल्यू रखते हैं। अच्छा, वेरिएबल इसलिए बनाते हैं क्योंकि हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यू होती है, तो इसलिए वेरिएबल बनाना पड़ता है, ठीक है। अब क्योंकि हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग है, लेकिन एक ही दफा इनिशियली हम डिसाइड कर देते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट बनते वक्त इसमें ये वैल्यू होगी और हमेशा ये रहेगी, ठीक है। लिहाजा हमारे पास एक मेथड होता है, स्पेशल टाइप का मेथड होता है, और वो मेथड जो है वो खुद ब खुद कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, ठीक है। और उस वक्त जो है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर हम चाहें तो किसी प्राइवेट वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा सकते हैं, उसको कहते हैं जी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है एक खास किस्म का मेथड होता है, और इसकी खास बात ये होती है, दो खास बातें होती हैं इसकी। पहली खास बात तो ये होती है जी कि इसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है। किसका? कंस्ट्रक्टर का। दूसरी खास बात ये होती है कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ये मेथड जो है वो खुद ब खुद कॉल होता है। कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। और इसमें हम उन प्राइवेट वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाते हैं, चाहें तो पब्लिक को भी करवा दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन पब्लिक फिर बाद में चेंज भी हो जाते हैं। तो आप अगर कोई इनिशियल वैल्यू देना चाहें तो दे सकते हैं। इसमें मकसद इसका ही होता है क्लास वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाना। किसका? कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो नेम है ना, नेम इनिशियली सेट हो जाना चाहिए और फिर वो कभी चेंज नहीं होगा, और आईक्यू भी इनिशियली सेट हो जाना चाहिए और फिर वो कभी चेंज नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ 100 रख दूँ तो मसला ये हो जाएगा कि अब जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी इनिशियल आईक्यू वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, इसको इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स ले लेते हैं। यानी कि एक तो मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग नेम, और एक मैं ले लेता हूँ डबल आईक्यू। और ये जो नेम है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये जो आईक्यू है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद अब मैं जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये वैल्यूज यहां से पास कर दूंगा। लिहाजा अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है उसका नाम तो असलम था और उसका आईक्यू 100 था, इसका नाम वसीम है और इसका आईक्यू 130 है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। लेकिन ये मैंने कंस्ट्रक्टर को पास किए वैल्यूज, सही है। और ये कॉल होता है कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, सही है। और ऑब्जेक्ट बनते वक्त इसमें ये वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई हैं। कौन सी वैल्यूज? क्लास वेरिएबल्स की वैल्यूज, सही है। अब आप इनको बाद में चेंज नहीं कर सकते, पब्लिक वाला चेंज हो जाएगा अगर आपने उसको कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करवाया है तो, प्राइवेट वाला चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो आप एक्सेस नहीं कर सकते ना। अच्छा, आप कोडिंग खोल के चेंज कर दें तो वो बात अलग है, मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट बन गया तो यूजर के पास नॉर्मली ये राइट नहीं होता कि वो क्लास में जाके चेंजेस कर दे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही? लेकिन जो कोडर है, लिखने वाला है, उसको तो हर तरह के राइट्स है ना, वो तो कहीं भी जाके चेंजेस कर सकता है,
सही है। अच्छा जी, अब ये हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लिए कि हमारे पास जो क्लास वेरिएबल्स होते हैं पब्लिक और प्राइवेट, तो प्राइवेट को चेंज करने का तरीका कोई नहीं है हमारे पास, उसको बनाया हमने इसीलिए प्राइवेट है कि बाहर से वो चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ उनको इनिशियलाइज करवा सकते हैं हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू, अगर वो भी कोडर अलाउ करे तो। अब कोडर ने अलाउ ही नहीं किया क्लास की कोडिंग में, तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। यानी आप ये कर सकते हैं कि कोई वेरिएबल ऐसा हो जिसकी कोई वैल्यू इनिशियली आप रख दें पब्लिक हो, इनिशियली कुछ रख दें आप कंस्ट्रक्टर में, बाद में यूज़र चाहे तो उसमें अपग्रेड करते रहें अपनी मर्जी से, ठीक है। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? कोई सवाल हो तो इसमें से पूछ लीजिएगा। हाँ, सेट और गेट भी होते हैं इसमें, मैं बताता हूँ। अब देखें इसमें जो है वो, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर जो है वो एक, जिस तरह हमारा इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर को स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, लेकिन होता ये मेथड है। तो जब मेथड ओवरलोडिंग भी हो जाती है तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हो सकती है, सही है। लिहाजा अगर मैं ऐसा कंस्ट्रक्टर बना दूं जिसमें नेम में जो है वो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रख दूं और आईक्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट उसमें 10 रख दूं, तो अगर कोई इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो उसकी वैल्यूज ये सेट हो जाएंगे, ये कहलाएगी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यानी अगर मैं एक तीसरा ह्यूमन बनाता हूं यहां पर और उसमें कुछ भी पास नहीं करता तो फिर वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, डिफॉल्ट नहीं है वो, आप कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। अच्छा, अब इन्होंने लफ्ज यूज कर लिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से मुराद वो कंस्ट्रक्टर होता है जो कंपाइलर बनाता है इस केस में अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर ना बनाया हो तो। यानी इनिशियली जब हमने कोड लिखा था तो उस वक्त तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था ना, तो उस वक्त क्या हो रहा था, उस वक्त एक बाय डिफॉल्ट नो बॉडी नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर खुद ही बन गया था, उसको कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसमें कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ इसलिए बना दिया जाता है कि यूजर ने कोडर ने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। लेकिन अगर यूजर या कंस्ट्रक्टर कोई कंस्ट्रक्टर बना देता है तो फिर वो वाला कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को रिप्लेस कर देता है, इसको आप कहेंगे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और ये टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। सही है, ठीक है, चलो। अच्छा, अब मजीद इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस बात को और समझें कि किसी भी क्लास को जो है वो जब हम बनाते हैं और उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, क्लास वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स।